हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई ट्रिक लेकर के आ गया हूँ आपके सामने। तो चलिए आइए समझते हैं ये ट्रिक क्या है और इसको हम कैसे यूज़ कर पाएंगे अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर बना लेता हूँ शॉर्टकट की मदद से। तो अल्ट एच बी ए प्रेस करते ही ये बॉर्डर लग जाता है, जैसा कि ये आपको शॉर्टकट की पता है ही। और फिल्टर लगाने के लिए हमने आपको एक अलग शॉर्टकट की बताई थी, अब इस बार मैं अलग शॉर्टकट की बताता हूँ जिसकी मदद से आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो बताया था उससे बिल्कुल अलग ये शॉर्टकट की है और आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो आप प्रेस कीजिए अल्ट, ठीक है, अब छोड़ दीजिए अल्ट को, अब प्रेस कीजिए ए, फिर प्रेस कीजिए टी। तो जैसे ही अल्ट ए टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप फिल्टर कर सकते हैं, यू कैन फिल्टर। आप यहां से सेलेक्ट ऑल से टिक हटा दीजिए, केवल एक या दो स्टूडेंट के नाम चाहिए तो यहां पर आपको दो स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट के ही नाम दिखाई पड़ेंगे, दो स्टूडेंट अभी दो बार लिख दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो वापस से अल्ट ए टी ये प्रेस कर दीजिए, ये हट भी जाएगा। तो ये बहुत आसान है। तो अल्ट ए टी करने से आप फिल्टर तो कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए अल्ट ए टी फिर से मैंने कर दिया तो ये फिल्टर आप कर सकते हैं। अब यहाँ से जाकर के आप फिल्टर कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए वो ले लीजिए। फिर से एक बार मैं इसको करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि इसी को आप शॉर्टकट की मदद से हटाना चाहते हैं, ठीक है, हम कंट्रोल जेड नहीं प्रेस करना चाहते, हम फिल्टर के लिए जो फिल्टर हटाने के लिए स्पेशल शॉर्टकट की यूज होती है उसका यूज करना चाहते हैं, तो वो क्या हो सकती है। तो फिल्टर हटाने के लिए अगर आप फिल्टर को क्लियर करना चाहते हैं तो आप अल्ट ए सी प्रेस कर दीजिए। तो अल्ट ए सी जैसे प्रेस करेंगे तो ये फिल्टर हट जाएगा, मतलब वापस से नॉर्मल सिचुएशन में ये आ जाएगा। फिल्टर हटेगा नहीं बल्कि नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। तो फिल्टर को क्लियर करने की ये शॉर्टकट की है, ठीक है।